भरुआ सुमेरपुर में प्रसूता महिला को भाजपा कार्यकर्ता ने अपना ब्लड देकर जान बचाई। मौदहा तहसील के परछठ गांव निवासी गर्भवती रेशमा पत्नी प्रदीप कुमार को ब्लड न मिल पाने के कारण कानपुर रेफर कर दिया गया। महिला की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण परिजनों ने हमीरपुर में प्राइवेट ब्रजराज हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहीं प्रसूता ने बच्ची को जन्म दिया। महिला के शरीर में महज 5 ग्राम ही खून बचा था। ऐसे मौके में भरुआ सुमेरपुर से आए संजय संकल्प राज ने एबी प्लस ब्लड डोनेट कर जच्चा को दिया नया जीवन। ऐसे कार्यकर्ताओं की काफी तारीफ हो रही है। भाजपा के विभिन्न कार्यकर्ता जैसे सिद्धार्थ सिंह, किसान मोर्चा हमीरपुर, संजय संकल्प राज सेक्टर संयोजक सुमेरपुर, हेमू गुप्ता, पवन सैनी, अशोक गुरु, अर्जुन सिंह मंडल अध्यक्ष, अरविंद जी, लालजी पाल, सुनील सिंह, रणबीर सिंह, श्याम महामंत्री इत्यादि हर समय सहारा लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय संकल्प राज है, पूर्वी मंडल भरुआ सुमेरपुर से सेक्टर संयोजक हूँ। मैंने सर सुना है कि आपने किसी गर्भवती माता को अपना ब्लड दिया हुआ है। जी, परछठ की एक महिला है जिनको डिलीवरी होनी थी, वो सरकारी अस्पताल में भर्ती हुई थी, उनको रेफर कर दिया गया था। हालत बहुत ही गंभीर थी। मुझे अशोक भाई जी ने फोन किया हुआ था कि आप संजय जी, आपको एक डोनेट करना है, ब्लड डोनेट करना है जी। मैंने उनसे तुरंत कहा कि जी भाई साहब मैं तैयार हूँ। उन्होंने तुरंत मुझे ले जाने के लिए व्यवस्था की और मैं सुबह ही तुरंत यहाँ से भाई हेमू जी के साथ में मुख्यालय, चिकित्सालय मुख्यालय हमीरपुर में पहुँचा और वहाँ पर जाकर मैंने एक यूनिट ब्लड डोनेट किया, जिससे महिला की जान बची और उन्होंने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। वो महिला कहाँ की रहने वाली थी? जी, वो परछठ की थी। अच्छा, तो वो यहाँ पर क्या एडमिट थी क्या? जी जी। अच्छा, तो और आप इसके अलावा आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं में हैं जी। आप लोग ये कार्य कब से कर रहे हैं? ये कार्य मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, लगभग क्या कहते हैं 10-11 साल हो गए हैं। इसमें हम लोगों के साथ में काफ़ी लोग हैं, जिसमें क्या कहते हैं सेक्टर संयोजक अरविंद श्रीवास्तव जी, सेक्टर संयोजक पवन सैनी जी, सेक्टर संयोजक अशोक सिंह जी और लाला जी, अन्य कई सेक्टर संयोजक और बूथ अध्यक्ष भी हैं। उसमें सभी लोग हम लोग एक मिलकर एक कैंप लगाते हैं। कैंप के द्वारा सभी को आवश्यकताएँ वस्तु वितरित करते हैं, जिसमें अभी हमने पिछली 2-4-10 दिन पहले मोदी रसोई का वितरण किया था और सूखा राशन भी वितरण किया हुआ था और जगह जगह जाकर हर बूथ स्तर पर जाकर सैनिटाइजर और मास्क वगैरह सभी कुछ वितरण किए थे। सभी को प्रसन्नता होती है, हम लोग ऐसा कार्य करते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों में से आपके जो मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो क्या कहते हैं आपको? वो हमको बहुत ही साधुवाद देते हैं कि आप निरंतर ऐसे बढ़ते जाइए, ऐसे कार्य करते जाइए, आप एक दिन बहुत आगे तक जाएंगे। इस तरह के कार्य करने के लिए आपको दिशा निर्देश कहाँ से मिलता है? ये हम लोगों को ये दिशा निर्देश अपने बुजुर्गों से मिलता है। इसके अलावा पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी के भी तो कुछ पदाधिकारियों से आपको कुछ जानकारी मिलती होगी? जी, हमारे क्या कहते हैं जैसे हमीरपुर चेयरमैन जी के कुलदीप निषाद जी के भाई साहब हैं अशोक गुरु जी, वो सभी लोगों को दिशा निर्देशित करते रहते हैं। जैसे कि ब्लड वगैरह के लिए कोई सेवा आयोजन कार्य हेतु सभी को अनुग्रहित करते हैं और दिशा निर्देशित देते हैं। ठीक है भाई साहब, ओके थैंक यू।